आपको अब फेज वाइज जो 7 चरणों में वोट पड़े, तो फेज वाइज जो सीटों का रिजल्ट सामने आ रहा है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, ये जानते हैं शीरीन से। बिल्कुल, 7 चरणों में चुनाव हुआ 2024 का, और किस चरण में किसको ज्यादा सीटें मिली हैं, कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, इस बड़ी स्क्रीन के जरिए हम फेज वाइज बता देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, पहला चरण 101 सीटों के लिए चुनाव हुआ था पहले चरण में, और यहां पर 32 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है और इंडिया गठबंधन को 64 सीटों पर बढ़त रुझानों में मिल रही है, और 5 ऐसी सीटें हैं जो अन्य इसमें बढ़त हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये पहला फेज और 101 सीटें थी इसमें, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे पहले फेज में किसे कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि अभी नतीजे नहीं है, बार बार आपको ये भी हम बता रहे हैं। अब जरा दूसरा फेज, 88 सीटों के लिए दूसरे फेज के तहत वोटिंग हुई थी, जिनमें से एनडीए को 53 सीटों पर बढ़त मिल रही है, इंडिया गठबंधन 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है दूसरे फेज में, और इसी के साथ 24 सीट जहां अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। अब ये नतीजों में कितना इसमें उलट फेर होता है, आगे पीछे होते हैं, ये हम देखेंगे आगे। अब जरा तीसरे फेज पर भी नजर डाल लेते हैं, जो तीसरे फेज में 94 सीटें थी, 94 सीटों पर वोट डले थे, और यहां पर एनडीए को 64 सीटों पर बढ़त मिल रही है। इनमें से इंडिया गठबंधन 21 सीटों पर लीड करता दिखाई दे रहा है, अन्य के खाते में 9 जा सकती है सीटें, क्योंकि 9 अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हुए जल्दी से चौथा चरण, 96 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी चौथे चरण में, एनडीए इनमें से 59 सीटों पर बढ़त बना के रखा हुआ है, इंडिया जो है इंडिया गठबंधन 20 सीटों पर आगे है और अन्य जो है वो 17 सीटों पर। और देखिए मेरे पीछे आप, ये अब ये किस तरीके से बढ़ रहा है, चाहे भगवा रंग हो चाहे नीला रंग हो, जैसे जैसे ये रुझान बढ़ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ कलर भी ऐड होते जा रहे हैं। और अब जल्दी से पांचवें चरण पर नजर डालते हैं, पांचवें चरण में 49 सीटें थी और 49 सीटों में फिलहाल एनडीए को 19 सीटों पर बढ़त है, इंडिया गठबंधन को 13 सीटों पर बढ़त मिल रही है, और 17 सीटें ऐसी भी हैं जिनमें अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। रुझानों की तस्वीर, 49 सीटों की पांचवा फेज था ये। अब छठे फेज में देखते हैं कि क्या निकलकर सामने आ रहा है। 58 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी, एनडीए 37 पर आगे है, इन 58 सीटों में से इंडिया गठबंधन 17 सीटों पर आगे चल रहा है, और 4 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर अन्य यानी कि निर्दलीय जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये छठा फेज, 58 सीटों में से 37 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। अब जरा आखिरी चरण की बात कर लेते हैं, यानी कि सातवां चरण, 57 सीटें, 21 सीटों पर एनडीए लीड कर रहा है रुझानों में अभी, इंडिया गठबंधन 20 सीटों पर आगे चल रहा है, और अन्य के खाते में 16 सीटें हैं और दिख रही हैं कि वो शायद इसमें जीत सकते हैं। तो पूर्वांचल महत्वपूर्ण था सातवें चरण में, वो इसी चरण में आता है, इसी चरण के तहत पूर्वांचल में वोटिंग हुई थी, और अब इसकी ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि अब नतीजों में किस तरीके से बदलती है, उस पर भी नजर हमारी लगातार रहेगी। एक बार फिर से रुक करते हैं रोमाना का। बिल्कुल, तो ये आंकड़ा आपने देखा फेज वाइज किस तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन को आज नतीजों के दिन रुझानों में तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही।